एक सवाल और आपसे, कितने काले लड़कियों को गौर कर दिए मैं कपड़े आके कितने लोगों को ब्याह करवा दिए हैं, तो काले लड़की को कितना लेप कर देते हैं कि मतलब ठीक हो जाए? मैं नहीं बताऊंगी। और दोस्तों भैया से मिलिए, रोशन सिंह विश्वास भैया से, जो पवन सिंह जी के राइटर हैं। जितना गाना भैया अभी आजकल बज रहा है, अतरे पतरे का पुदीना पुदीना, पुदीना। साल का माजा इस साल बज रहा है होली के। तो नमस्ते, कैसे मैडम जी? पवन सिंह जी के साथ काम किए नजर आए, कैसा महसूस किए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं फिलहाल पटना और एक मंदिर में हूँ, पटना का फेमस मंदिर इस्कॉन मंदिर, और आज हमारे साथ बहुत सारे भैया लोग हैं, इनको तो कौन नहीं जानता भैया। रत्नेश भैया नमस्कार, भैया कैसे हैं? नमस्ते, एकदम बढ़िया है भैया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। इन्हीं का थ्रू भैया अभी अभी जस्ट पवन सिंह जी के हीरोइन से मिल रहे हैं, और उनको से आप लोग को भी मिलवा देते हैं। देखिए इधर है, अभी बहुत जल्द काम करके आए हैं पवन सिंह जी के साथ, दो तीन दिन हो रहा है। कितने दिन हुआ जी? इनका नाम है निकिता भारद्वाज। तो नमस्ते, कैसे हैं मैडम जी? पवन सिंह जी के साथ काम किए नजर आए, कैसा महसूस किए? चलिए बहुत बढ़िया, अभी हम लोग चलेंगे सभी कोई दर्शन करने। और इधर हमारे प्यारे भैया एक और हैं, इनको कौन नहीं जानता, सत्या भैया। पवन सिंह जी के समझिए कि हम करीब चलाने वाले हैं। भैया प्रणाम, कैसे हैं? और सबसे भैया तो, और इधर देखिए एक और भैया भैया हमारे, नमस्कार भैया, कैसे हैं? अभी सभी लोग चलेंगे और दर्शन करेंगे यहाँ पे मंदिर का माहौल है, नहीं तो इनका गाना एक बहुत होली का था, वो हम लोग ब्लॉक के अंत में गाना गा के उसको समाप्त कर रहे हैं। भगवान के लिए भी बहुत सारे गाने, बड़ा जी काम को बुला दीजिए। रितेश भैया, भैया मंदिर में है तो भैया के लिए कहा जा सकता है? कितना भैया भैया आप कहां गए हो? क्या लाइन कोई मासूम का ना जी हो। हां कौन सा गाना है? कौन सा जी हो ये बोलने वाले थे, जी वाला कौन सा गाना है? सही में लास्ट में सुना नहीं, अभी अभी करके स्टार्ट कर दियो। अभी याद नहीं, चलिए अभी सबको चलते हैं, सभी भैया लोग एक साथ चलते हैं, सभी को दर्शन करने, पूरा ब्लॉग बवाल हो गया। दोस्तों मंदिर के अंदर आ चुके हैं और देख सकते हैं हम लोग के लिए स्पेशल भैया सबसे आगे लाइन मिला है, जाइए दर्शन करिए। इधर सारे पब्लिक लोग सभी लोग, पूरा टीम। तो अभी मंदिर के बाहर आ चुके हैं सभी लोग और पूरे टीम वाले हम लोग, सभी लोग अब फोटो क्लिक करेंगे, मस्ती करेंगे। बाहर में सेल्फी पॉइंट है भाई, एक से एक सभी लोग सेल्फी लेते हैं यहाँ पे बाहर आने के बाद। और मंदिर का तो कोई बात ही नहीं है भैया, कितनों तारीफ की जाए कम है। देख सकते हैं काफ़ी लाजवाब मंदिर है, इसका मैं पहले भी एक बार वीडियो बना चुका हूँ, इसका लोकेशन वगैरह सारा। स्टेशन से मात्र 5 मिनट का रास्ता है, ये रहा एंट्री गेट, इसी से हम लोग अंदर आए थे। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत प्लेस है यार, बहुत बढ़िया लाजवाब फोटो आ रहा है। और दोस्तों इनसे तो आप लोग को मैं मिलवाया ही नहीं था, इनका क्या नाम है? सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। अच्छा आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट है ना? अच्छा मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, एक्टिंग भी करती हूँ, मॉडल भी हूँ। अच्छा मॉडल का भी काम करते हैं?
इंटरटेनमेंट है। अच्छा मॉडर्न डिपार्टमेंट से लेके ऑफ कैमरा से लेके ऑफ कैमरा। अभी मैं भोजपुरी में हूं पहली बार, और मैं हिंदी में हूं। अभी मैंने मॉडलिंग किसके लिए होता है? ब्रांड के लिए। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था आपसे कि इतना धीरे इंसान कैसे बोल लेता है? वो कौन सा स्पीकर है जो हम लोग में अलग लग गया है, आप लोगों में अलग लग गया? लेडीज लोग इतना कम काहे बोलते हैं? मतलब बोलते हैं भाई बगल में मीटिंग करके पूरा खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। नहीं, मैं बोलती हूँ बहुत ज्यादा, मतलब लाउडली बोलती हूँ मैं। बट अभी है ना मेरे कुछ टाइम से तबियत थोड़ा सा खराब है, क्योंकि खाना नहीं खा गया। नहीं नहीं, मैं कंटिन्यूसली भी काम से बिजी थी ना। हाँ सही बात। अच्छा एक बात और, सिर्फ गर्ल्स लोग ही मेकअप करते हैं कि बॉयज लोग भी? नहीं, मैं बेसिकली शादियों वाले मेकअप करती हूँ, मतलब ब्राइडल। हम लोग भी किसी काम के? अच्छा अच्छा अच्छा, कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज का, हम लोग का कर देती है, लड़कियों का करती है। अच्छा मान लीजिए किसी को आपसे मेकअप करवाना हो तो कैसे आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा आप इंस्टाग्राम आईडी क्या बताने की समस्या है? मेरा बिजनेस अकाउंट जो है वो है PU_makeover5, और मेरा पर्सनल अकाउंट जो है वो है PU5time_. अच्छा 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 अच्छा, एक मॉडलिंग वाले पोस्ट अपलोड। एक सवाल और आपसे, कितने काले लड़कियों को गोर कर दिए मैं कपड़े आके? कितने लोगों को ब्याह करवा दिए हैं, शादी विवाह करवा दिए करिए करिए लड़की लोग के? ऐसा नहीं है, जो शादी करते हैं वो पहले से लोगों को देख रखे होते हैं। मैं छे का मैच है, फर्स्ट बार जिसको देखा देखी किसी लड़की को भेजा जाता है, तो काले लड़की को कितना लेप कर देते हैं कि मतलब ठीक हो जाए? मैं नहीं बताऊंगी, काम है ऐसे बता दी तो फिर मेरा तो काम ही नहीं होगा ना, मैं नहीं बताऊंगी। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अपने वाली का मुंह धोके जरूर देख लेना, क्या पता उसके मेकअप आर्टिस्ट हो। अरे बाप रे बाप, बच कराना पड़ेगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। और दोस्तों भैया से मिलिए, रोशन सिंह विश्वास भैया से, जो पवन सिंह जी के राइटर हैं। जितना गाना भैया अभी आजकल बज रहा है, अतरे पतरे का पुदीना पुदीना, इस साल का मजा इस साल बज रहा है, होली के मजा। हाँ पर साल का गाना भैया इन साल तक बज रहा है, कितना मस्त मस्त गाना। अच्छा कहाँ से ऐसे ऐसे वर्ड सोचते हैं, कैसे गाना लिखते हैं भैया? अभी आप जिनके दरबार में करे हैं उनकी कृपा है कि हम लोग कुछ लिख पाते हैं। बार बार की आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, जो आदमी कुछ सोच पाता है। हम लोग कहाँ से सोचते हैं, देखिए ये सवाल हमेशा होता है लोगों का, कहाँ से सोचते हैं? ये हमारे सुनने वाले जो लोग हैं ना, उनके मूड को देख करके हम लोग गाना सोचते हैं। ऐसा बात है, बस वही गाना सक्सेस होता है। अच्छा एक गाना लिखने में लगभग कितना टाइम लग जाता होगा? ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई पैरामीटर नहीं है जो हम कह रहे हैं एक घंटे में लिख देते हैं या एक दिन में लिख देते हैं। अच्छा बहुत जल्दी में कोई कौन भैया का गाना आ रहा है या नहीं? बहुत जल्दी बहुत सारे गाने आ रहे हैं भैया के, मेरे ख्याल से कहर मचेगा इस बार लोकगीत में। चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग घूम लिए, अब कहाँ चला जाए? क्या फोटो आ रहा है, बहुत लाजवाब फोटो आ रहा है। देखिए हम टेंपल में हम लोग हैं और बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सुकून भरा टाइम बिता रहे हैं हम। और महाप्रसाद का भोग एक ही आदमी को मिला, जो जो लेट हुए थे उनको नहीं मिला है। खाने वाले का नाम दोस्तों, हम लोग दर्शन करके आ गए माता रानी का। अच्छा आप बताइए, आप भगवान जी से क्या मांगे? क्यों बताएं? नहीं बताइएगा? हाँ। कैसा लगा मंदिर में एकदम आकर के सुकून मिला ना एकदम? बहुत ज्यादा अच्छा लगा दर्शन करके, और दर्शन बहुत ही भव्य तरीके से हुआ है। माता रानी के दर्शन हो चुका है और सारे लोग देखिए भैया हम लोग जा रहे हैं, ठीक ना? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।